तो फाइनली दोस्तों पैन इंडिया के रॉकिंग स्टार बन चुके यश की और सुपरस्टार संजय दत्त की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 27 दिन पूरे करने जा रही है। और इन 27 दिनों में इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर ली है, इस फिल्म ने आज कौन कौन सी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और क्या इस फिल्म के रिकॉर्ड्स इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल कोई बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म तोड़ पाएगी या नहीं, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश और सुपरस्टार संजय दत्त सर के डाहट फैन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है केजीएफ चैप्टर 2, जिसके पहले पार्ट केजीएफ चैप्टर 1 को 2018 में ही रिलीज कर दिया गया था और शाहरुख खान की फिल्म को बुरी तरह से पीछे करते हुए केजीएफ चैप्टर 1 ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। उसी तरह से दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 के लिए एक्साइटमेंट ऑडियंस के बीच में एक अलग ही लेवल का था और यही वजह रही दोस्तों कि केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ रुपए कमाए और हिंदी में जहां इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन का कलेक्शन था वो 68 करोड़ रुपए का रहा, जो कि दोस्तों केजीएफ चैप्टर 1 के लाइफ टाइम हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी ज्यादा था। दोस्तों बताते चले आपको कि केजीएफ चैप्टर 2 को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया जा रहा है और यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने जहां अपने शुरुआती दो हफ्तों तक 997 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर दिया था, जिसमें दोस्तों ये फिल्म हिंदी में ही लगभग 350 करोड़ की कमाई कर चुकी थी। अपने तीसरे हफ्ते दोस्तों ये फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दूसरी फिल्म बनी और बाहुबली 2 के पहले हफ्ते के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे हफ्ते तक 1100 करोड़ रुपए की कमाई करके RRR के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। ऑडियंस दोस्तों इस फिल्म को आज भी इतना ही प्यार दे रही है जितना कि इस फिल्म को अपने पहले दिन मिला था और यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने चौथे हफ्ते भी काफी अच्छी कमाई कर रही है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए नए रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है। हालांकि दोस्तों अब इस फिल्म के सामने इस हफ्ते हॉलीवुड की बिगी फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी केजीएफ चैप्टर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2000 स्क्रीन्स पर चलने के बाद भी हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हर भाषा में काफी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए दोस्तों इस हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों अपने 25 दिनों तक इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1155 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली इस फिल्म ने अपने 26वें दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 6.5 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 1162 करोड़ रुपए का हो चुका था। आज दोस्तों इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 27वां दिन है और आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो ऑल ओवर इंडिया से 1,20,00,000 रुपए की रही है। वहीं दोस्तों आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की ऑल ओवर इंडिया से 29% की है। आफ्टरनून और इवनिंग में दोस्तों इस फिल्म के कहीं कहीं पर हाउसफुल है तो कहीं कहीं पर दोस्तों इस फिल्म के 80% से ज्यादा टिकट्स बुक हो चुके हैं। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने 27वें दिन भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई कर रही है और हिंदी में जहां इस फिल्म के आज के भी कलेक्शंस 2,50,00,000 के आंकड़े को टच कर रहे हैं, तो वहीं दोस्तों ऑल ओवर इंडिया से आज के इस फिल्म के कलेक्शंस 5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म 5.5 से 6 करोड़ रुपए की कमाई आज भी कर रही है और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म RRR के पीछे करते हुए इंडियन हिस्ट्री की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है और 1168 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो चुकी है। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म अगर कमाई करती रही तो ये फिल्म 1200 करोड़ के क्लब को जल्द ही शामिल हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म 1300 करोड़ की कमाई भी कर लेगी। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि इस फिल्म के रिकॉर्ड्स को कौन तोड़ सकता है, तो दोस्तों फिलहाल में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म में इतना दम नहीं कि वो केजीएफ चैप्टर 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ दे। हालांकि दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जरूर इस फिल्म के लाइफ टाइम को चैलेंज कर सकती है और 400 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन सकती है, लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ चैप्टर 2 को रिकॉर्ड्स को तोड़ना इस साल किसी के भी बस की बात नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 के रिकॉर्ड्स को क्या पृथ्वीराज टक्कर दे पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड